फिर देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग, के देख वेट करूं। टाइम पहले मेला भी था तो के लोग सारा सुमरा समाज यहाँ पर। अभी हम पहुंचे हैं, अभी देखो सिंगल रोड है सामने, ये है बहुत ही। देखो भाई ये वो अनएक्सप्लोर जगह जो हमने एक्सप्लोर। भाई आ गए दोनों अभी। देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग, स्लो करते करते 18-19 की भी इसकी स्पीड पर पहुंच आया हूँ, लेकिन ये दोनों भाई लोग नहीं दिख रहे हैं। यहाँ कहीं छांव भी नहीं है जो रोक के देख वेट करूँ। नेटवर्क भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इस साइड नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो फ़ोन कॉल भी नहीं लग सकता। या तो मैं वापस रिटर्न जाऊं या फिर वेट करूं या कहीं रुक कर देखता हूं क्या करता हूं। अब कहां रुका हुआ हूं, जंगली जानवरों का ख़तरा है इस साइड तो बहुत बड़ा, और ऐसी रोड पर मैं अकेला रुका हुआ हूं इन दोनों के लिए। बाइकें तो आ रही हैं लेकिन ये हैं या नहीं नहीं पता। ये तो माता के मठ वाले हैं, नहीं ये भी नहीं है। देखता हूँ क्या सीन हुआ है भाई, इतनी देर तो इनको कभी नहीं लगी, सुबह से आ रहे हैं, पीछे रहते हैं तो आ ही जाते हैं लेकिन इतनी देर कभी नहीं लगी। अब आ रहे हैं, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ इनका। अब भाई ये क्यों मुड़ रहे हैं भाई, किधर थे? आगे से ही थोड़ा ना। हेलो भाई, आ गए दोनों। अब ये इनको लगा कि मैं उधर एक सीमा दर्शन करके है उधर चला गया हूँ, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल भी नहीं लग रहा। चलो जो भी है, आ गए वापस सेफली, तो राइट कंटिन्यू करते हैं, राइट कंटिन्यू। देखो भाई ये वो अनएक्सप्लोर जगह जो हमने एक्सप्लोर कर दी, इसका व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना, लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करूँगा कि और लोग भी हैं इसको देखें एक्सप्लोर करें। उधर आगे वाली में पानी भरा हुआ है लेकिन इन तड़ों में पानी नहीं है, ये खाली है, तो ये फ़ोटोशूट के लिए अच्छी है, यहाँ पर आप फ़ोटोशूट बढ़िया कर सकते हो। रोड देखो एक बार कितना मस्त लग रहा है, और आसपास एकदम खड़ी ढलान, दो ढलानें दिख रही है मुझे यहाँ से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी देखो सिंगल रोड है सामने, जो है बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, और एक बड़ा सा टावर दिख रहा है, वेदर टावर है या क्या है मुझे नहीं पता, और विंड फार्म कुछ गिनी चुनी दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वैसे दूर दूर तो बहुत सारी हैं लेकिन ऐसे क्लियर ही बड़ी बड़ी दिख रही हैं जो वो गिनी चुनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे भाई साहब। कितनी गहरी खाई है भाई, भाई गजब गजब। और देखो पानी भरा हुआ है चारों तरफ, चारों तरफ तो रोड, एक दो तरफ तो रोड है लेकिन दो तरफ पानी भरा हुआ है। अब इतनी ऐसे ऊपर चढ़ाई भी, और अब देखो सीन क्या ही मस्त, क्या ही कहने अपने कच्छ के भाई, एक नंबर कच्छ, एक नंबर। तो भाई इधर तालाब देखो, क्या ही मस्त तालाब है, पूरा भरा हुआ है, न्यू ऐसा लगता है खुदा हुआ है, खुदाई नहीं नहीं हुई है। ओ विंड फार्म मस्त लग रही है, रोड मस्त लग रही है, सब तो मस्त लग रहे हैं। अगर आप लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे तो आप भी मस्त लगोगे। व्यू चेक करो गाइस, ये व्यू देखो
बहुत ही मस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है, पूरा हिल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बाइक हो रही है और बस चले जा रहा हूँ। रोड, अच्छी बात यह है कि रोड पूरी खाली है, ना कोई ट्रक है ना कोई बाइक है, कभी कभार एक कार गाड़ी वगैरह दिख जाती है, मिल जाती है, बाकी रोड पूरी खाली है। दोपहर का टाइम है 3:30, तो इस वक्त ऑब्वियसली रोड खाली होनी थी, उतनी चहल पहल नहीं होती जितनी सुबह और शाम को होती है यहाँ पर। क्या मस्त, अब हर नए मोड पर और नई लोकेशन चेंज हो रही है और इतनी खूबसूरत लग रही है, तो मन करता है सब रिकॉर्ड करता जाऊँ, लेकिन उतना तो मैं कर नहीं सकता, बस थोड़ा बहुत वो लोकेशन, वो रास्ता जो होता है उसका मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। रोड है सामने, कंपनी दिख रही है, अल्ट्राटेक है आई थिंक, अल्ट्राटेक सीमेंट वाली कंपनी, और इसके आसपास खदानें भी हैं जो पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाए, तो इस बार भी देखो यहाँ पर वो वहाँ पर दिख रही है। खैर झाड़ियाँ तो उतनी दिखती भी नहीं है सही से, फिलहाल तो पानी में पूरी डूबी हुई है, पूरी भरी हुई है पानी से, लेकिन कहीं ना कहीं चालू है काम अंदर। वो रही सामने एक, लेकिन पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है तालाब बना दिया है। पर सामने एक और आएगी, ओ भाई ट्रक वाले ने इतनी जोर की थप्पड़ मारी। ये देखो पूरा रोड पर जो मिट्टी मिट्टी दिख रही है, ये सब खदान की है, आगे से दिखेगी शायद। ये देखो कितना मस्त लग रहा है वो भाई, इतने सारे क्या है ये पंछी, छोटे छोटे बहुत सारे हैं भाई। वो रही सामने एक और खदान, और फुल धूप निकली हुई है, फुल धूप। यहाँ से आई थिंक दिखेगी क्लियर, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रही गाइस, इधर झाड़ियाँ आ गई हैं ना, तो उतनी खास कुछ दिख नहीं रही। वो देखो यहाँ से, हाँ अब देखो वो और दिख रहा है ना पानी, वही है, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, देखो इतना ही देख सकते हैं क्योंकि हाँ कब्जा कर लिया भाई, पूरे रोड पर कब्जा कर लिया। वायर 5 किलोमीटर, तो वायर जाना है वो, ये देखो भैंसों ने पूरा चक्का जाम कर रखा है, पूरा चक्का जाम। अब देखो कितना तगड़ा कब है, और झाड़ियाँ पूरी रोड पर आ चुकी हैं, अगर सामने से कोई आता है तो दिखता भी नहीं है। हमें यहाँ पर रुकना है वायर में या तो वागोट में रुकना है, थोड़ा ब्रेक लेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वायर आ गया है, वायर आ गया, तो यहाँ थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, यूसुफ आ जाए तो उसको ही पता है कि कहाँ रुकना है, वायर में या वागोट में। वायर पुलिस, One hour later. So guys, finally अभी हम पहुँचे हैं दादी सुमरी दरगाह पर, और ये क्या ले ए काट ले। अभी यहाँ पर आने का हमारा कोई ऐसा एग्जैक्ट प्लान नहीं था, लेकिन आए हैं, करीब है दरगाह हाईवे से तो आ गए। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत ही मस्त खूबसूरत दरगाह और कंपाउंड बना दिया गया है। तो अभी यहाँ पर पानी वानी पिया है, और काफ़ी अच्छा जो है काम कर दिया गया है, बैठने के लिए कुर्सियाँ, उधर झूले वगैरह भी लगा दिए गए हैं बच्चों के लिए,
और सामने जो है दरगाह है, तो बाहर से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर झूले वगैरह लगा दिए बच्चों के लिए। तो ये है सामने दरगाह। अभी हम अंदर तो नहीं जा रहे, पर यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो बाहर से दरगाह कुछ ऐसी है, और यहाँ पर सुमरी डाली की दरगाह। टाइम पहले मेला भी था, तो मेले पे तो नहीं आ पाए, लेकिन एक दिन मेले पर भी ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। और बहुत सारे सुमरा समाज के लोग, सारा सुमरा समाज यहाँ पर जो है मेला ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर लिखा भी है गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, ऑल ओवर भारत से लोग आते हैं, सुमरा जो भी समाज के हैं। तो यहाँ पर जो है उर्स मनाते हैं, तो एक दिन उर्स में भी ज़रूर आएंगे। यहाँ पर जो ये जगह जो बहुत ही अच्छी जगह है, और दरगाह तो है ही, लेकिन यहाँ पर एकदम शांत माहौल है, रिलैक्स। यहाँ पर बंदा आता है तो हो जाता है पूरी तरीके से एकदम रिलैक्स। ठंडी ठंडी हवा है, छांव है इन पेड़ों की, और अच्छी हवा भी चल रही है। और बैठने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, कुर्सियाँ हर जगह लगी हुई है, और पेड़ हैं तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर माहौल होता है, एकदम बंदा रिलैक्स हो जाता है यहाँ पर आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँ, और डायरेक्ट यहाँ पर अब निकल जाऊँगा घर, क्योंकि पता नहीं कैसी हालत होने वाली है एडिटिंग में, वो तो आप देख लोगे कैसी होगी हालत। बाकी हालत तो बहुत ख़राब होती है एडिटिंग में। बाकी चलो, ये वो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम ऐसे नए व्लॉग के साथ, तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, राइट सेफ, गुड बाय।